नमस्कार, तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। जिस शख्स का हमने इंटरव्यू लिया है वो जाना जाता है अपनी तेज तर्रार गायकी के लिए, जो जाना जाता है अपने ऊंचे स्वरों के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मास्टर सलीम साहब। आपने इन्हें मूवीज में गाते हुए सुना होगा, आपने इन्हें लाइव कॉन्सर्ट करते हुए सुना होगा, आपने उन्हें भगवान का दीदार करते हुए सुना होगा। भाई साहब, इन्हें भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी सुना जाता है। इनके कोई भी भजन आप उठा लीजिए, भोले दी बारात उठा लीजिए, मेरा भोला ना माने, भोले को मैं कैसे मनाऊं रे, रखना लाज दर आया हूं, या कोई भी मूवी का गाना उठा लीजिए, इनको आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगर्स के साथ जुगलबंदी करते हुए भी। एक ऐसा शख्स जो इतना विनम्र है, जो इतना पहाड़ है मैं तो कहूंगा। और मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि सर, एक साधारण सा शख्स मास्टर सलीम कैसे बन गया, और इनका उत्तर देखिए क्या था। अब भी साधारण ही है, पहले भी साधारण है, अब भी साधारण है, आगे भी साधारण ही रहेंगे। मास्टर सलीम बना ही नहीं है, लोगों ने बना दिया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि उन्होंने एक नॉर्मल से इंसान को एक बहुत ख़ास इंसान बना दिया, और मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं मास्टर हूँ, मैं वही मास्टर हूँ जो बच्चों वाला मास्टर होता है ना, कोई बच्चा खेलता है कि ये मास्टर है, तो वो वाला मास्टर हूँ जो सिखाता है लोगों को मास्टर, मैं वो वाला बिल्कुल नहीं हूँ और कभी बन भी नहीं सकता। मैं सलीम ही हूँ, मास्टर सलीम तो लोगों ने बनाया है। अब देखिए ना, मास्टर सलीम साहब आज भी अपने आप को एक साधारण शख्स ही मानते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि साहब, आप इतने विनम्र कैसे हैं? आप विश्वास करेंगे, जब मैं इंटरव्यू लेने पहुंचा, बिल्कुल सिंपल सी जैकेट में, बिल्कुल सिंपल सी जूते में, बिल्कुल विनम्रता के साथ मिलने के लिए आए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, आप इतने साधारण कैसे हैं? आंसर सुन लीजिए। एक्चुअली मेरे फादर साहब जो हैं, उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब, वो और हमारे जो पीरो मुर्शद हैं बाबा मुराद शाह सरकार, वो और उन्होंने सिखाया यही है कि बेटा, कभी भी मिट्टी से अलग नहीं होना है, मिट्टी से जुड़े रहना है। जो आदमी मिट्टी से जुड़ा रहता है वो हर किसी के दिल से भी जुड़ा रहता है। सो डाउन टू अर्थ, मैं तो चलो फॉलो करता हूँ अपने बुज़ुर्गों के रूल्स रेगुलेशंस। डाउन टू अर्थ और लोगों को भी होना चाहिए, सारी दुनिया को डाउन टू अर्थ ही रहना। जब रहना ही कुछ नहीं है, जब ये तन, ये धन, ये मन सब ईश्वर का है, भगवान का है, तो फिर किस बात की अकड़ है, फिर किस बात का रोब है ना। किसी चीज़ का कोई अकड़ अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये मेरे बुजुर्गों की शिक्षा का असर है कि मैं ऐसा हूँ। तो देखा आपने, साधारणता। अब मैं बस दो लाइनें आपको बोल देता हूँ कि भैया, किस्मत हरा दे तो अलग बात है, वरना गुलेलों से कभी बाज मरा नहीं करते। अब मेरा अगला क्वेश्चन इनके पिता से रिलेटेड था कि पिताजी क्या चाहते थे कि आप क्या बनो। अब आंसर सुन लीजिए। देखो जी, मेरे पापा आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो चाहते ही थे कि मैं सिंगर ही बनूं, है ना। तो एक पौधे की जगह एक पौधा लगना वो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही हुआ है और भगवान का बहुत शुक्र है। वो यही चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर और अच्छा इंसान बनूं, सबसे पहले तो इंसान बनूं। मैंने क्वेश्चन पूछा संघर्ष से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पर्सनली किसी का संघर्ष जानने में बड़ा आनंद आता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर, आपका संघर्ष क्या रहा, और कोई भी अगर आप एक या दो संघर्ष हमें शेयर करेंगे तो बड़े हम शुक्रगुजार रहेंगे। तो संघर्ष क्या रहा ये भी बताया, और एक संघर्ष शेयर भी किया। सर, संघर्ष तो चलता ही रहता है और अब भी चल ही रहा है, हर युग में, हर सदी में किसी अच्छी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा ही है। जैसे बहुत बड़े बड़े संतों महंतों ने, पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने, और जो देश के राजे हैं महाराजे, उन्होंने भी संघर्ष किया है अपने देश को आगे लाने के लिए या अपनी कौम को आगे लाने के लिए। सो हम भी अच्छे म्यूज़िक को, सुरीले म्यूज़िक को, प्रदूषण रहित म्यूज़िक को आगे लाने के लिए संघर्ष चल ही रहा, अभी चल रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मेरा एक सपना था कि यार मैं फिल्मों में गाऊं। अच्छा। तो उसके लिए मैंने जब बहुत ही छोटा था तो मैं सुनता था रफ़ी साहब को, अभी भी सुनते हैं लता जी को, मोहम्मद रफ़ी साहब, और उधर जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ से हमारा ही है, वो हमारे ही आर्टिस्ट हैं, यहीं से ही गए हैं सारे, इंडिया से
नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जलंधर से हैं और मेहदी हसन ख़ान साहब राजस्थान से हैं, है ना। और इसीलिए मैंने बोला कि वहाँ के आर्टिस्ट भी हमारे ही हैं, है ना। पाकिस्तान से मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अच्छे लगते हैं, यहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, सोनू निगम साहब हैं और बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। मैं ये सोचा करता था कि यार जैसे ये फिल्मों में गाते हैं या ऐसे करते हैं, मैं कब गाऊँगा। अच्छा, उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी धक्के खाने पड़े, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी कहीं, कभी कहीं। अगर वो संघर्ष में बताने लग गया तो बहुत ज्यादा। तो मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब सफलता नहीं मिल रही थी, तब आप निराश हुआ करते थे, और देखिए क्या तेज तर्रार उत्तर दिया कि नहीं, निराश तो मैं कभी नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपने भगवान पे बड़ा विश्वास था। नहीं, निराश नहीं, कभी निराश होना सीखा ही नहीं है। निराश क्यों होना है? निराश तो तब हो ना जब भगवान या अल्लाह आपको कोई चीज देता नहीं है, जब वो सब कुछ दे ही रहा है, करना आपने है, देता वो है, करना आपने है। जब आप नहीं करते तो फिर उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, देता वो सब कुछ ही है, करना आपने है। फिर मैंने वो किया और लोग भी करते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, संघर्ष जो है वो अच्छे से निकल जाता है। और मैंने आखिरी के तीन क्वेश्चन पूछे, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर पिता से क्या सीखने को मिला आपको, क्योंकि इनके पिताजी खुद बड़े उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब बड़े सिंगर रहे हैं। और इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन ये था वो ये था कि सर भगवान किसी को क्या दे सकता है जिंदगी में, भगवान किसी को क्या दे सकता है जिंदगी में, और इन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ दे सकता है। इस उत्तर को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, जरा आप उत्तर सुनिए एक बार। बड़ा कुछ पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, पिताजी से बात कैसे करनी है, गाना कैसा होना चाहिए, या यार आप भाई बहनों और बेटियों के बीच में आपका गाना सुना जाना चाहिए, ऐसे ही गाने ही गाने चाहिए, ये चीज़ें उनसे एक एक, एक एक आप भजन अगर गा रहे थे तो आपने बोला था कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि स्टेज के बीच मर जाना मगर गलत गा के मत। हाँ, उन्होंने बोला कि मर जाना है लेकिन सुर कम नहीं लगना चाहिए, कई बार सुर कम ऊपर या थोड़ा आसपास हो जाता है सुर, वो नहीं। बड़ा बड़ा ध्यान भी रखते हैं, मैं देखता हूँ अपने म्यूजिशियंस को आप बीच बीच में चेक करते रहते हो। वो तो हमारा काम है, वही तो हमारी जिंदगी है, वही हमारी लाइफ है, अगर वही उसी को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपको भगवान ने कला दिया, गुण दिया, उसी को आप अच्छे से देख रेख नहीं कर सकते या अच्छे से रियाज नहीं कर पाओगे तो फिर वो स्टिल नहीं रह पाएगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमको करना ही पड़ता है, हम लोग करते ही रहते हैं। सब कुछ देता है, क्या नहीं, वो सब कुछ ही देता है। इसका जवाब मैंने पहले ही आपको दे दिया, वो सब कुछ देता है, भगवान सब कुछ देता है, लेकिन उसको संभालना आपका फर्ज है, उसको आगे कैसे यूज़ करना है ये आपके हाथ में है। अगर वो कहें ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत हमको करनी पड़ती है, मदद वो करता है, वो सबको देता है, आगे क्या करना है ये आपके हाथ में, आपको डिसाइड करना होता है। आखिरी का मेरा क्वेश्चन ये था, क्या भगवान किस्मत बदल सकता है? और वाकई भगवान किस्मत बदल सकता है, सुनिए उस्ताद मास्टर सलीम की जुबान से। बिल्कुल सर, सबसे पहले किस्मत, जो भगवान ने लिख दी है वो ही मिलना है आपको। और अगर आप में कुछ अच्छी चीज करने का मादा है, जेरा है या जिगरा है तो आप उसको बदल भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप भगवान को भी मजबूर कर सकते हो कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अच्छे कर्म लिख, तो वो करता है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते? मैं अभी भी वही हूँ। मैं अभी भी 10 साल का ही हूँ और बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ हूँ, ना मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं वही हूँ और वही रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।